मुख्यमंत्री कमल पटेल ने कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि हार्वेस्ट का पंजीयन शुल्क 10% से घटाकर 1% कर दिया गया है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि भाजपा की सरकार किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित को देखते हुए हार्वेस्ट का पंजीयन शुल्क 10% से घटाकर 1% कर दिया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही अल्प अवधि वाली की फसलों का ब्याज 0% कर दिया गया है, जिससे 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस 1,000 करोड़ को भाजपा की सरकार किसानों की तरफ से भरेगी। आज कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। हार्वेस्टर पे जो 10% रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था पंजीयन कराने पर आरटीओ में, उसको 1% किया गया है आगामी 2 साल के लिए। इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। साथ ही 0% पर ब्याज अल्प अवधि ऋण यानी खरीफ और रबी फसल के लिए जो लेते हैं किसान, खाद बीज दवाई के लिए, उसको 0% किया गया, जिसमें 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये 1,000 करोड़ किसानों की तरफ से सरकार भरेगी, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को किसानों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वे हर महीने हर दिन किसानों के लिए जीते हैं, किसानों के लिए सौगातें देते हैं। और एक तरह से ये कहूँ कि किसानों के सगे भाई से भी कोई ज्यादा है तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, क्योंकि सगा भाई भी अलग होने के बाद में अगर भाई को ऋण की जरूरत पड़ती है तो वो महाजनी ब्याज लेता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बगैर ब्याज के ऋण देते हैं, यानी 0% ब्याज पर ऋण दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, वो मध्य प्रदेश में। इसलिए मुख्यमंत्री जी का किसानों की ओर से एक बार पुनः अभिनंदन। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।